नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पांडे, आपका एकदम प्यारा दुलारा छोटा सा एक्टर हूँ। हमारे साथ है ये हमारे दोस्त आयुष जडेजा। आप देखते होंगे इनको, बहुत सारी फिल्मों में गुजराती सुपरस्टार हैं और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने किया है। और इनका परिचय बता दूँ, ये हैं कल्लू भाई, जिन्होंने बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम कराया है हमको भी लेके। और ये इनकी पहचान है, ये जूनियर महमूद के भाई हैं, उनको हम प्यार से नमू भाई कहते हैं, इनको कल्लू भाई। जूनियर महमूद आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, बहुत फेमस एक्टर थे, उनके ये रियल ब्रदर हैं। जी, धड़कन फिल्म लगी है, आपको बता दूं कि ये फिल्म बिहार में पांचवा हफ्ता चल रही है, शायद ये पांचवा हफ्ता चल रही है बिहार में, और सुपर डुपर बम्पर ओपनिंग हुई थी। चार फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें सिर्फ धड़कन ही एक ऐसी फिल्म है जो पांचवा हफ्ता चल रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत थैंक्स हूँ, फुल हूँ मैं ऑडियंस का, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फिल्म को इन्होंने इतना सक्सेस बनाया है। धड़कन के बाद आपकी आने वाली और कौन कौन सी फिल्म? सर, धड़कन अब आ गई है और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसके बाद एक पिक्चर अक्टूबर में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब भूपेंद्र भगत, शिखा मिश्रा इसकी प्रोड्यूसर हैं, और हमारे डायरेक्टर हैं सुजीत सिंह, आप जानते होंगे, वो हैट्रिक विनर हैं। ये उनकी तीसरी फिल्म है जो सुपर डुपर 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 हिट हुई है। आप उसमें फिल्म में नेगेटिव किरदार में हैं? जी, एक्टर कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एक्टर एक एक्टर होता है। नेगेटिव सेट्स में इसमें मैं हूँ, क्योंकि भोजपुरी मैंने ये मेरी सेकंड फिल्म है, पहली फिल्म एक थी जोड़ी नंबर वन रवि जी के साथ में, क्योंकि मैं भोजपुरी से नहीं हूँ, मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार मिले तो मैं भोजपुरी में भी हिट हो जाऊँ जैसे हिंदी में हिट हूँ। आपने कहा हिंदी फिल्मों से, कुछ जी हिंदी फिल्मों के करियर के बारे में? हिंदी फिल्म मेरी अभी एक रिसेंटली चल रही है, 12वां हफ्ता चल रही है मुंबई में, अभी भी एक सिनेमा हॉल में, और उसका फिल्म का नाम है माफिया बिग बॉस, उसमें मैं हीरो हूँ। एक मेरी और फिल्म आई थी आमिर सलमान शाहरुख, वो भी मेरी बहुत अच्छी फिल्म गई। हिंदी बेल्ट में मैंने काफ़ी काम किया है, भोजपुरी में किस्मत आजमा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और का हो भोजपुरी वाले, अगर प्यार दे गया तो हम आपके सामने हरदम आओ। भोजपुरी फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी फिल्मों का बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत एक अच्छा आजकल स्टेटस है कि जैसे पवन जी जैसे आजकल सुपरस्टार हैं जो फिल्मों को कमा के देते हैं, उनके वजह से हम लोग भी चल जाते हैं और हमारी पहचान धीरे धीरे बन जाती है। ऐसे स्टार रहेंगे तो भोजपुरी हमेशा सक्सेस रहेगी। यानी आपका कहना है पवन जी के साथ आप चल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि पवन जी इतने बड़े स्टार हैं यार, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है आपको ऊपर पहुंचने के लिए ऊपर वाली बिल्डिंग के पास पहुंचना पड़ता है, तभी आप ऊपर पहुंचते हैं। सर, बात करें आप जैसे सलमान खान के साथ कॉमेडी कमाल करते हैं, तो सर उनके अंदाज में क्या कहेंगे? कमाल करते हो यार, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम यहाँ के रॉबिनहुड हैं, रॉबिनहुड पांडे, और लोग प्यार से चलबुल पांडे कहते हैं।